सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली को बताया गैस चैंबर। केजरीवाल बोले केंद्र सरकार बस केस करवाती है, सहयोग तो करती नहीं। छह राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू। यूपी में भाजपा सपा में मुकाबला, तेलंगाना में क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी का टेस्ट। हिमाचल में गरजे भाजपा अध्यक्ष। जेपी नड्डा बोले हिमाचल में भी राज नहीं रिवाज बदलेगा, हताश हो गया है बेरोजगार विपक्ष। राज्यपाल विरोध के नाम पर एकजुट होने की कोशिश में विपक्ष, ये चूरू की पहली पर विपक्ष दलों की होगी बैठक। ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया वार, बीजेपी को सीएए लागू नहीं करने देंगे, सीएए को लेकर राजनीति कर रही है भाजपा। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने मामूली बात को लेकर पीड़ित परिजनों के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दर्जनों भर के अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गड्ढा मुक्ति के लिए अधिकारियों की छुट्टी रद्द, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद का सख्त रुख, 3 शिफ्टों में रात दिन काम करेंगे इंजीनियर। सीतापुर में ड्यूटी से काम से जा रहे थे थाना प्रभारी की दुर्घटना में मौत, सकरन थाने से झांसी कोर्ट के साक्ष के लिए जा रहे थे थाना प्रभारी। गोंडा में भाई ने अपनी बहन पर धारदार हथियार से उतारा मौत की घाट, मृतका की मां तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की FIR। जिनपिंग को पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों की चिंता, पाक पीएम शहबाज से बोले हमारे लोगों को सुरक्षा दें। रूस को हथियार भेज रहा है साउथ कोरिया, यूएस का आरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते पहुंचाया जा रहा है गोला बारूद। नेतन्याहू जीत की ओर, आतंक पर लगाम के लिए फिलिस्तीन सीमा ब्लॉक करेंगे, भारत के साथ हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उत्तर कोरिया ने 24 घंटे के अंदर दागी ब्लास्टिक मिसाइल जापान में, दहशत लोग घरों के अंदर। यूएस के विदेश विभाग ने दी फिनलैंड को मिसाइलों की संभावित बिक्री की मंजूरी, $535 मिलियन का है सौदा। कार्तिक ने लीटन दास को 2 मौके दिए, बांग्लादेशी ओपनर ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई, 22 बॉल में ही लगा दिए 50। कोहली के सामने शांत हुए शौकीम, नो बॉल के फैंस पर भड़के बांग्लादेश के कप्तान, पर शिकवा भूल विराट के गले लग गए। राहुल का सिक्सर और हैरान कोहली, शरीफुल की तेज आकर राहुल क्रीज की गहराई में पहुंचे और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर। अफगानिस्तान श्रीलंका मैच में चोटिल हुए राशिद, बाउंड्री बचाने की कोशिश में घुटना जख्मी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना तय नहीं। नीदरलैंड ने बिगाड़ा जिम्बाब्वे का खेल, 5 विकेट से जीता मुकाबला, ओडॉड और कूपर की मैच विनिंग पार्टनरशिप। शाहरुख खान ने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया इवेंट, फैंस की मौजूदगी में काटा केक। एक्सीडेंट के बाद रंभा ने दिया बेटी को हेल्थ अपडेट, बोली मेरी बेटी शासा एकदम ठीक है, हम सब घर वापस आ गए हैं। केबीसी 14 में बिग बी के दोस्त फिल्म ऊंचाई का प्रमोशन करने पहुंचे स्टार अमिताभ बच्चन की मालिश करते दिखे अनुपम खेर।
ऋषभ शेट्टी ने किया पुनीत राजकुमार को याद, बोले कांतारा में ऑफर किया था शिवा का रोल, बिजी शेड्यूल के चलते इनकार कर दिया था। अनन्या पांडे ने रिक्रिएट किया KG3 का सीन, करीना कपूर की कॉपी करती दिखी एक्ट्रेस, वीडियो देख बेबूबी हुई इंप्रेस। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बार